हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कौशल बाग में यहाँ पर वाउ ट्रैवल्स के जो है हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि बेहतरीन जो है वो लोकेशन के ऊपर ये जो है ट्रैवल्स एजेंसी है, और ये ट्रैवल एजेंसी में क्या क्या सर्विस होने वाली है सारी डिटेल्स जो है वो हम लोग अंदर जाके समर पटेल जी से हम लोग जो है पूरी डिटेल लेंगे, और एक ओवरव्यू भी दिखा देंगे आपको ऑफिस का और सारी सर्विसेज के बारे में इन डिटेल जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अंदर जाते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और समर भाई के साथ में हम लोग जो है वो थोड़ी बात कर लेंगे। थैंक यू समर जी, आपने हमको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है कि आपकी जो है वो ऑफिस का हम लोग एक्सप्लोर कर सके, एंड आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह है जो सारे आपने एक्सप्लेन किए वो पूरी डिटेल हम लोग जो है वो व्यूवर्स को भी देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरी खुशनसीबी है सर कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब अच्छा लग रहा है आप हमारे ऐसे वीडियोस दे रहे हो और बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हो, तो इट्स अ रियली गुड थिंग। आप अच्छा काम कर रहे हो और उसी के लिए जो है मैं भी रेडी हो गया हूँ कि आप अच्छे कॉज के लिए भी कर रहे हो और आप बहुत सारे बिजनेस को ऐसे प्रमोट करने वाले हो, सो दिस इज रियली इंस्पायरिंग और मेरे को अच्छा लग रहा है आपको इंटरव्यू देना। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर द सेम। सो सर, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले समर जी जी, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका देंगे कि लाइक आपका जो है वो जर्नी कैसी स्टार्ट हुई है, कहाँ से आपने स्टार्ट किए, एंड आज आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो बेसिकली मैं जो है पहले हमने स्टार्ट किया था, मैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में 7 साल से काम किया, 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं सडनली स्विच हुआ, हमने पासपोर्ट करना शुरू किया, और देन जैसे कोविड आया, कोविड में हमने बहुत सारे सेटबैक्स देखे, देन वी स्टार्टेड डूइंग ट्रैवल पैकेजेस ऑल्सो। सो हमारा कंपनी अगर देखेंगे आप तो 2014 से एस्टैब्लिश है और तब से हम कंटिन्यूसली जो है बिजनेस को हमारे ग्रो कर रहे हैं, एंड वी आर वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेस इन पुणे। राइट, तो सर मींस ऑल ऑफ सडन आपको बैंकिंग सेक्टर से इस सेक्टर में आने के लिए किस चीज ने मतलब आपको इंस्पायर किया है। सो बेसिकली बिजनेस एक जो था मेरा माइंडसेट बहुत पहले से था, मैं एक छोटे से होम टाउन से बिलोंग करता हूँ और मैं हमेशा चाहता रहा था आई हैव अचीव बिग गोल्स। मैंने मोर देन 40 कंट्रीज अभी ट्रैवल किया है, आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, मेरा सपना था ये, बट जॉब में रहते हुए वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। देन आई डिसाइडेड कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो अलग फील्ड में जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखना, कुछ इंस्पायरिंग कॉन्टेंट देखना, तो वो चीज में यही चीज लिखा था दैट यू हैव टू गेट इनटू अ बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है, कई कुछ चीजें मैंने देखा थोड़ा ट्रैवल से रिलेटेड थी, पासपोर्ट्स वगैरह चीजें जिसमें कंपटीशन बहुत कम था, सो आई गॉट इनटू इट और मैंने वो स्टार्ट किया और वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो सर अभी आपके पास में एट प्रेजेंट कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइक पासपोर्ट पैन कार्ड से लेके ट्रैवल से लेके कितने? वी हैव मोर देन 100 प्रोडक्ट्स एज ऑफ नाउ, मतलब 100 अलग अलग टाइप की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें हमारे जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो है पासपोर्ट, देन ट्रैवल पैकेजेस, वीजा सर्विसेज, ये जो प्रोडक्ट है हमारे मेजर है। उसके अलावा हम आधार कार्ड की सर्विसेज, पैन कार्ड की सर्विसेज और बाकी जितने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे शॉप एक्ट या उद्यम आधार आप बोलो, तो ये सारे सर्विसेज हम कैटर करते हैं। तो बेसिकली आपका कोर बिजनेस क्या बोलेंगे, मतलब आप किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है? सो एक्सपर्टीज की अगर आप बात करें तो जैसे कि मैंने बोला पासपोर्ट, वीजा एंड ट्रैवल पैकेजेस, ये हमारे एक्सपर्टीज प्रोडक्ट्स है, इस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ओके,
तो आपके पास है, जैसे कि आप बता रहे हो कि 2013 से आप जो है वो ये काम में हो, ठीक है। तो इनिशियली आपने स्टार्ट कौन से एक सी डेफिनेटली ये लेटर ऑन आपने सारे प्रोडक्ट्स जो वो एड ऑन किए हैं, ठीक है, सर्विसेज, इनिशियली आपने स्टार्ट किससे किए थे सर? जैसे कि मैं बैंकिंग सेक्टर में था तो वहाँ पे फोकस रहना बहुत सिखाते हैं। सो पहला मैंने जो फोकस किया वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे किया, क्योंकि अगर एक चीज पे आप ज्यादा फोकस करते हो तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट ज्यादा मिलता है। सो मैंने फोकस किया पासपोर्ट पे। सो हम महीने के कुछ 200-300 पासपोर्ट करते थे, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, कभी 300, कभी 400, कभी 500। सो सिर्फ पासपोर्ट से ही हमने मोर देन 60,000 पासपोर्ट 2019 तक हमने बना लिया था। सो वो फोकस हमारा सबसे ज्यादा था और वहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है। सो सर हम लोग अभी एक काम करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, हम लोग एक एक प्रोडक्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक व्हाई पीपल शुड कम टू यू, ओके, जैसा पासपोर्ट बनाने के लिए हो गया, ट्रैवलिंग के लिए हो गया, पैकेजेस के लिए, तो स्टार्ट किससे करें हम? सो पासपोर्ट का हम पहले बात करेंगे। पासपोर्ट सर्विसेज एक्चुअली हम इसमें बेटर क्यों है, लोग बहुत सारे लोगों के पास में जाते हैं, बहुत सारे एजेंट भी है। सबसे पहले तो दूसरे एजेंट जो है बिहेव बहुत ही अलग तरीके से करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो उस फील्ड के गॉड है। आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं दिखाएंगे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके ज्यादा पैसे मांगेंगे, फिर आपको उसी चीज में घुमाते रहेंगे और उसके अलावा फिर भी आपका जो काम है कहीं ना कहीं अटक जाता है। सो पासपोर्ट सर्विसेज की जब बात आती है हम इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन हमने प्रोसेस किया है। दूसरा चीज, वी हैव अ यूट्यूब चैनल, अगर आप चेक करोगे वाओ ट्रेवल्स करके हमारा यूट्यूब चैनल है। सो वहां पे हमने बहुत सारे कंटेंट्स बनाए हैं स्पेशली पासपोर्ट्स के लिए, तो वो चैनल बताता है कि हम कितने एक्सपर्ट हैं इस चीज में। तो बोला जाता है कि अगर आप एक एक्सपर्ट के पास में जाओगे तो आपका जो टाइम एंड एनर्जी काफी ज्यादा बचेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसके लिए हमारे पास में आ सकते हो, यू कैन गेट द बेस्ट सर्विस, क्योंकि हम ज्यादातर ख्याल रखते हैं आपकी आपको सर्विस देने का, उससे ज्यादा और कुछ है। तो आपके पास पासपोर्ट के जो क्लाइंट्स हैं वो मेनली वॉक-इन्स हैं कि लाइक ऑनलाइन में मतलब सर्विस आप प्रोवाइड करते हो? सी हमारे जो क्लाइंट्स है, अगर हम 80% क्लाइंट्स बोलेंगे तो वी हैव इन पुणे। पुणे में किस तरीके से हम क्लाइंट्स बनाते हैं, एक तो लोग वॉकिंग आते हैं काफी ज्यादा, दूसरा हमारा डोर स्टेप सर्विस है, तो हमारा एग्जीक्यूटिव जो है जो भी क्लाइंट्स है उनके घर पे जाता है और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देके उस हिसाब से डॉक्यूमेंट कलेक्शन करता है। तीसरा, वी हैव अ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल से हमारे ना कि सिर्फ पुणे में, इंडिया में जो भी मेजर सिटीज है कहीं का भी आप बोलो हमारा रीच उतना ज्यादा, तो वहां से भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। और इंडिया के बाहर अगर आप बात करो तो दुबई है, या फिर आप यूरोप की बात करो, या फिर आप अमेरिका की बात करो, जो मेजर सिटी मेजर कंट्रीज है वहां से कस्टमर्स हमारे पास में आते हैं थ्रू आवर यूट्यूब चैनल। तो कुछ चार्जेस के बारे में हम बात कर सकते हैं क्या? मतलब आप पासपोर्ट बनाने के क्या चार्ज लेते हो, एंड इज दैट कॉम्पिटिटिव लाइक जो दूसरे ऑफिसेज वाले जो ले रहे हैं? सर बेसिकली पासपोर्ट का जो गवर्नमेंट फीस होता है वो एक 1,500 रुपीज रहता है, और उसके ऊपर हम 1,350 सर्विस चार्ज जो है चार्ज करते हैं। बट अगर हमारे ऑनलाइन क्लाइंट रहते हैं तो ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए हमारे कम चार्जेस रहते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। सो उसमें हम 750 रुपीज जो है सर्विस चार्ज जो है कस्टमर को करते हैं। ये तो पासपोर्ट का हो गया है, एंड जैसे कि आपने बताए हो कि सबसे पहले तो मैं देखा हूँ आपके बाहर स्टाफ का भी जो है वो बिहेवियर वगैरह देखा हो कि कंपैरेटिवली अदर एजेंसीज के जैसे आप बता रहे हो द वे ऑफ हैंडलिंग क्लाइंट्स दैट इज समथिंग डिफरेंट, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलो दूसरे प्रोडक्ट पे आपके जाते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट क्या है आपका? दूसरे हमारे वीजाज हैं, ट्रैवल पैकेजेस हैं। तो वीजा पे बात करें, ओनली वीजा अगर किसी को चाहिए? वीजा अगर आपको चाहिए तो कोई भी, आप टूरिस्ट वीजा की बात करो, फैमिली वीजा की बात करो, तो वो हम सारे वीजाज करते हैं। विच मेनली कंट्रीज यू कवर? नॉर्मली अगर आप देखो तो यूरोप के जितने शेंगेन वीजा हम जिसको बोलते हैं, जिसमें एक वीजा आप ले तो 27 कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हो। आप उस वीजा की बात करो, या आप दुबई वीजा की बात करो, या वियतनाम वीजा हो गया, थाईलैंड का वीजा हो गया, जो भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले सिटीज है वो सारे वीजाज को हम कैटर करते हैं। तो उसके सर्विसेज लाइक कैसा, लाइक आप ऑनलाइन ही देते हो कि वॉक इसमें इन्स होता है? अभी जैसे हम सुनते हैं कि हम डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया हमारा जो मोट है, तो मोस्टली जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स करते हैं ये सारे डिजिटल बेस में होता है, कि आपको ना आने की जरूरत, ना हम आपको वहां पे आने की जरूरत, मतलब मिलने का ऐसा कोई
कंपलसरी रहता नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है व्हाट्सएप कर सकते हो, जो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहता है उस दिन आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट का सेट कहते हैं जो आपको वीजा ऑफिस में कैरी करना पड़ता है अगर आपका इंटरव्यू बेस्ड वीजा है तो। अगर आपका इंटरव्यू बेस्ड वीजा नहीं है, आपका ई वीजा है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट बहुत सब करते हो और आपका काम हो जाता है। राइट, तो फॉर एन एग्जाम्पल इसकी कॉस्टिंग क्या होती है कंट्री टू कंट्री? हर एक वीजा की अलग अलग कॉस्टिंग रहती है, इसमें समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वीजा की जो कॉस्ट है वो एवरीडे चेंज भी होते रहते हैं। राइट, जैसा डॉलर का रेट आज रहेगा उस डॉलर के हिसाब से जो वीजा का कॉस्ट है वो बदलते रहता है। जैसे एन एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर आप सर्विस चार्जेस की बात करोगे तो सर्विस चार्जेस हम जो ई वीजा रहता है उसमें 1000 रुपीज के आसपास लेते हैं और जो फिजिकल आपका सबमिशन वीजा रहता है उसका 2500 सर्विस चार्ज रहता है। राइट, और हम ये जो प्रोडक्ट है जो वीजा की बात करें इसमें बेस्ट क्यों है, बिकॉज मार्केट में आप देखोगे बहुत कम आपको वीजा करने वाले मिलेंगे। हम क्योंकि मैं खुद 40 कंट्रीज से ऊपर ट्रैवल किया हूँ, सो हमारा जितना भी एक्सपीरियंसेस रहता है ये फिजिकल हमने सारी चीजें देखा है, तो हमको ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बट जो हमने फिजिकल एक्सपीरियंस किया वो भी नॉलेज रहता है, जिससे आपका जो काम है बहुत ही सिंपल और इजी हम करके देते हैं। राइट, एंड ट्रैवल पैकेजेस के बारे में बात करें तो? ट्रैवल पैकेजेस तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये चीजें आपको बताने के लिए। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस। अगर आप थाईलैंड की बात करो, दुबई की बात करो, अजरबैजान है, वी हैव वन मोर ब्रांच इन अजरबैजान। सो जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सारे पैकेजेस हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। हमारे पास में उसका वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके सारे पैकेजेस को देख भी सकते हो। एंड आई टेल यू वन ऑफ द बेस्ट सर्विस वी प्रोवाइड, क्योंकि हम ज्यादा जो फोकस है वो सर्विस प्रोवाइड पे करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस मिले और ज्यादा से ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिले। सो यही चीज को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए मैं खुद ट्रैवल करता हूँ। जैसे कि मैं 40 कंट्रीज से ज्यादा ट्रैवल किया हूँ सो फार। सो मैं ट्रैवल इसलिए करता हूँ कि सपोज आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको उस जगह का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप जिस टाइप के पर्सन हो, आपकी एज ज्यादा की कम है, आप यंग हो, तो हर एक टाइप का एक्सपीरियंस मैं कंट्री में जाके लेता हूँ, देखता हूँ एंड देन उस हिसाब से पैकेजेस बनाता हूँ और उस हिसाब से हमारे मॉडिफाइड पैकेजेस रहते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। ओके, तो पैकेजेस वगैरह कैसा डिफर होते हैं टाइम टू टाइम के, लाइक उसका जो है वो फिक्स पैकेजेस पैकेज होता है मतलब? बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है फिक्स डिपार्चर होता है, जैसे अभी हमारा एक थाईलैंड का पैकेज चल रहा है जो 41,000 में फिक्स डिपार्चर है, 4 दिन का, 4 नाइट का, 5 डेज का पैकेज है आपका। सो इसमें आपका जो बैंकॉक है वो कवर होता है, आपका जो पटाया वो कवर होता है, वहाँ का होटल, ब्रेकफास्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड अट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमें जो है फिक्स डिपार्चर पैकेज में हम कवर कर रहे हैं। कुछ पैकेजेस होते हैं कस्टमाइज, जैसे आपको लगता है कि आपको ये डेट पे जाना, आपको इतने दिन के लिए जाना है, तो वो कस्टमाइज पैकेजेस आते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो सर ये जो पैकेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हो कंपैरेटिवली दूसरी भी जो एजेंसीज है जो पैकेज प्रोवाइड कर रही है तो उसके कंपैरिजन में कॉस्टली है, सस्ता है, इफेक्टिव क्या है मींस? सब पैकेजेस ऐसा देखा जाए तो पैकेजेस में इतना कोई अर्निंग नहीं होता है, बहुत ही कम रहता है। अगर कोई आपको महंगा पैकेज देता है तो आप वो तो कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज यू ऑलवेज टेक पैकेजेस फ्रॉम मोस्ट पीपल। हमारे पास आप देखोगे तो हम ज्यादातर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, रेट्स की बात जो है वो रेट्स बदलते रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, वेरी रहते हैं। और हम भी जो है मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रखते, हमारा 4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम मार्जिन रहता है जो भी पैकेजेस हमको हमारी डीएमसी से मिलता है। और भी एजेंसीज आजू बाजू में होंगी फॉर श्योर, तो वाई पीपल शुड कम टू यू फॉर देयर प्लान्स? लाइक कहीं किसी को बाहर जाना है तो उनके पैकेजेस के लिए लाइक आपको भी अप्रोच करे वो? इस चीज में मैंने बहुत सारे एजेंट्स को देखा है, ट्रैवल एजेंट्स बहुत सारे, मैं तो न्यूज भी पढ़ते रहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको बताते कुछ और है और देते कुछ और है। स्पेशली अगर आप उमरा की देख लो, उमरा में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि लोग को बोला कुछ ज्यादा ये होटल मिलेगा, कुछ और चीजें देते हैं। सिमिलरली अगर आप ट्रैवल पैकेजेस की बात करो तो लोग ऐसे ही करते हैं, आपको बोलते हैं ये चीज मिलेगी, ये आपका फेयर रहेगा और सडनली वो चीजें बदल देते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि जो आपको बोला जाए वो अगर हम आपको देंगे तो आप और ज्यादा खुश होगे, आप खुश होगे तो और ज्यादा हमसे रिपीट चीजें लोगे, हमारा रिपीट सेल्स होगा। तो हमारा फोकस आज का, कल का, परसों का नहीं है, जो भी सर्विसेज, जो भी पैकेजेस हम देंगे आपके साथ में लाइफ टाइम हम कनेक्टेड रहे उसी हिसाब से देते हैं। तो आप सोचे कि हमारा जो विजन है या हमारा जो कॉन्सेप्ट है ट्रैवल पैकेजेस को लेकर वो कैसा रहेगा। बेशक बेशक, ठीक है सर,
तो हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो को यहीं पर जो है एक एंड करते हैं, डन ओके, सर, कि आपकी एक जर्नी के बारे में हमने बात करें, व्हाट ऑल सर्विसेज, व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स यू हैव, उसके बारे में हमने बात करें। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम लोग जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर इन डिटेल जो है वो बात करेंगे, डन लाइक सर, लोगों को समझने के लिए भी आसानी होंगी उसमें, एंड लोगों के लिए जो है वो कन्वीनियंट होगा इन फ्यूचर और एट प्रेजेंट, दोनों के लिए जो है वो काम आएगा। डन सर, सो समर सर, थैंक्स अ लॉट, हम थैंक यू लोग सर, आपका नंबर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो दे देंगे। थैंक यू सो सर, जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड रहे पासपोर्ट बनाने के लिए, वीज़ा सर्विसेज के लिए, ट्रैवल पैकेजेस के लिए, तो जी वो वाओ ट्रैवल्स को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कौशल डन, बाग के अंदर जो है कौन सी बिल्डिंग ये है ये सर? कैपिटल मॉल है, कैपिटल मॉल कौशलबाग में आपको मिल जाएगा। और ओके वीके भाई ये वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, अगर आप इनके वीडियोस देखकर हमारे पास में आते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हमारे सर्विसेज के ऊपर। तो 10% ये ऑफर फ्लैट, मैं आपको इनके चैनल के थ्रू दे रहा हूँ, आपको बताना है इनके चैनल का नाम, सो यू विल गेट दिस ऑफर। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। सो ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी और जल्दी से आइए यहाँ पर, कॉल कीजिए, विजिट कीजिए एंड आकर जो वो अपना एक्सपीरियंस देखिए एंड और भी लोगों को जो है वो रेकमेंड कीजिए। चलिए थैंक यू थैंक यू सर, सर, नेक्स्ट थैंक यू वीडियो सर, में मिलते हैं। चलो सर।